मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान के तहत आज बलौदा बाजार जिला ग्राम कोसम कुंडा विकासखंड बिलाईगढ़ के समाधान शिविर में अचानक पहुंचे और वहां लगभग 2 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को मांग पर ग्राम सेंदुरस में 48 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना और पानी की टंकी के लिए ग्राम कोट 32 लाख रुपए और बालपुर में 35 लाख रुपए के मौके पर ही स्वीकृति दी। उन्होंने कोटही सोलह आना मार्ग निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, लुखई डी कोसम कुंडा में 6.5 लाख रुपए की लागत से नया आंगनबाड़ी भवन, सोलह ओन से जैतपुर कोसम कुंडा में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, ग्राम पंचायत मोहतरा में विद्युत ट्रांसफर शिफ्ट करने हेतु 5 लाख रुपए, ग्राम कोसम कुंडा में ही चेकडम निर्माण के लिए 9 लाख रुपए और कोसम कुंड क्लस्टर में पेयजल के लिए 10 हैंडपंप लगाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के समक्ष शिविर में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2475 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में 1161 परिवार पात्र पाए गए हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत 11,000 परिवारों को अभियान चलाकर जल्द विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 61 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। कोसम कुंडा क्लस्टर के 10 ग्राम पंचायतों के 4,565 परिवारों को सूखा राहत के तहत राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 1,70,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार शिविर में 63 परिवारों को विभिन्न पेंशन योजनाओं के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। विकलांगों ने ट्राई साइल्वर्ट बैटरी साइकिल पाकर खुशी जाहिर की है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है। इस अवसर पर शिविर में विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़ के विधायक श्री सनम जांगड़े, मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री मुकेश बंसल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उठाएंगे नहीं है तो नहीं उठाएंगे। क्या उनको सूचना दिया है? क्या सर सूचना दिया है? क्या उनके नाम अभी शिविर में समापन के पहले बना ही नहीं है? नहीं शौचालय बना नहीं है कि बना के पेमेंट नहीं हुआ? लाभ मिलेगा और इस पूरे क्लस्टर में, पूरे विकासखंड में अभी भी 11,000 घरों में बिजली नहीं पहुंचा है। उनमें से 3,000 लोगों को मिला है, 8,000 लोगों को अतिरिक्त बल्ब लगाने का काम जून तक करेंगे। इस पूरे क्लस्टर में, इस पूरे विकासखंड में करीब 250 गांव में पूरे टोले मंदिर में विद्युतीकरण का काम अधूरा है, उस काम को स्वीकृत किया जाएगा। ग्राम कोसम कुंडा में 10 पंचायत में कुल 4,221 आवेदन आए, 2,475 परिवार 1,161 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की योजना में 61 नए राशन कार्ड बने, उसमें 4,500 किसानों को आरबीसी 6,70,00,000 लाख रुपये का वितरण स्वीकृत किया गया, 63 लोगों को निराश्रित पेंशन योजना किया गया, सौभाग्य योजना के लोगों को पूरे विकास खंड में बिजली का काम दिया जाएगा। आज इस पूरे क्लस्टर में 10 हैंडपंप स्वीकृत किए गए और विशेष रूप से यहाँ पे प्रमुख योजनाओं में जो डी आंगनबाड़ी 6 लाख, सीसी रोड सालेवाना 9 लाख, बालपुर में पानी टंकी 35 लाख, सिंधुरस में नल जल योजना 48 लाख, कोट में पानी टंकी 25 लाख, मोहतरा ग्राम पंचायत ट्रांसफार्मर से 5 लाख, मोराडी सालेवन 50 लाख का पुल का निर्माण और यहाँ का एक कोसम कुंडा में सोलर पंप के माध्यम से बिजली के सोलर के द्वारा पानी की सफाई का काम किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार लोक सुराज में छोटी छोटी बातें, पंचायत में बिजली का काम हो, ट्रांसफार्मर का काम हो, वोल्टेज की समस्या हो, इसका निराकरण का काम भी चल रहा है और काफ़ी तेजी के साथ उन आवेदनों का निराकरण।